ना बिजली है, ना पानी है, ना ही शौचालय है, क्योंकि यहाँ से काफी दूर पड़ता है स्कूल, तो हर कोई जाना चाहता नहीं, क्योंकि पीने का पानी तक नहीं है। यहाँ पर इन लोग राशन के लिए नाम लिखवा के ले जाते हैं और राशन भी नहीं देते हैं किसी को। पूर्वी दिल्ली में डीएनडी और मयूर विहार के नजदीक यमुना खादर वो इलाका है जहां हजारों गरीब मजदूर किसान दशकों से बिना मूलभूत सुविधाओं के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। यहां रह रहे लोगों के पास वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड तो है, लेकिन पानी, बिजली, स्कूल, शौचालय और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। दिसंबर में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों के मद्देनजर न्यूज क्लिक की टीम ने यमुना खादर का दौरा किया और वहां के लोगों के बेसिक मुद्दों को जानने की कोशिश की। इसके अलावा हमने इस बार चुनावी मैदान में उतरे निगम प्रत्याशियों से भी इन समस्याओं पर उनका नजरिया जाना। यहाँ पन्नी मुझे अब किसे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जैसे दो बार पानी आ गया यहाँ, तो पानी आने से एक बार सामान ले गए, दोबारा फिर ले के आए, खाने को भी बहुत हिसाब से अपना गुजारा कर रहे हैं हम लोग। अब ठंड पड़ गई, अब ठंड में गर्म कपड़े भी चाहिए हमारे लिए और रहने को भी चाहिए। बाढ़ आने से हमारे तो बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है यहाँ आने। हम 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का 75वां वार्षिक महोत्सव मना रहे थे, लेकिन ये लोग 13 अगस्त को बाढ़ आई हुई थी तो सब लोग टेंटों में रोड पे ये थे, और दोबारा से 23 सितंबर को बाढ़ जब आई तो ये फिर से 25 सितंबर को दोबारा से ये फिर रोड पर पहुंच गए। तो ये किस हालातों में रह करके ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं? यहाँ यमुना खादर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, जैसे पानी की समस्या बहुत है यहाँ पे, बिजली भी नहीं है, रात में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है ना, और लाइट भी नहीं है उसकी वजह से, तो बहुत समस्याओं बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मतलब दिन में पढ़ना पड़ता है, घर फिर खेत में भी काम करना पड़ता है क्योंकि मम्मी पापा की हेल्प भी करवानी होती है। मुझे यहाँ 12 साल रहते हो गई, ठीक है, और खेती किसानी काम है और समस्या तो बहुत ज़्यादा है, कभी खाद नहीं मिलती, कभी बीज नहीं मिलता है, कभी दवाई टाइम नहीं मिल पाती है, और यहाँ मच्छर भी शाम को बहुत लगते हैं। बच्चे यहाँ से पढ़ने स्कूल जाते हैं 2 किलोमीटर दूरी पर, जाने आने में कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, ठीक है, और जो है साफ़ सफाई भी कम है, गंदगी ज़्यादा है आसपास, और झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, यहाँ का मकान नहीं, लाइट भी नहीं व्यवस्था, शाम को दिया जला के अपनी खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं। कि ये एरिया यमुना खादर का जो है यमुना के किनारे है, यहाँ पर हर साल लगभग बाढ़ आ ही जाती है, और जब बाढ़ आ जाती है तो सब लोगों को विस्थापित होकर के ये लिंक रोड या मेन रोड पर अपना सामान लेकर जाना पड़ता है, और सब पूरी फसल, इनका घर बार ख़त्म हो जाता है, और फिर ये दोबारा से उसको रीस्टेबलाइज करते हैं, बनाते हैं। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे पढ़ा दिया 12वीं तक, पर यहाँ के और बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है स्कूल, तो हर कोई जाना चाहता नहीं क्योंकि बहुत थक जाते हैं बच्चे, खेत में भी काम करते हैं फिर स्कूल इतने दूर जाएंगे तो नहीं जाते बच्चे, इसलिए, और उनके घर वाले भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, दूर बहुत है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ कोई पास में कोई स्कूल बन जाए ताकि सब बच्चे पढ़ने जा सकें। देखिए, हम यमुना खादर में लगभग मयूर विहार से लेकर यमुना खादर में जो है सराय का लेखा और इधर डीएनडी से लेकर के गीता कॉलोनी तक लगभग 4 से 5 हज़ार परिवार रहते हैं, और सब लोग अपना खेती किसानी, मजदूरी और नर्सरी का काम करते हैं। तो यहाँ पर इन बच्चों की पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे इन बच्चों को या माँ बाप को, परिवारों को, जितने भी लोग रह रहे हैं उनको पीने का पानी तक नहीं है। यहाँ पर पीने के पानी में जो हेडपम्प है उनमें रेड अमोनिया है जिसकी वजह से वो लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो दिल्ली सरकार ने पानी भेजने का काम तो किया लेकिन वो रेगुलर और सही तरीके से नहीं आ पा रहा और सब लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, और जब आता भी है तो सब लोगों को अपना काम छोड़कर जो खेती मजदूरी कर रहे हैं वो लेकर के मेन रोड तक आना पड़ता है, क्योंकि टैंकर आएगा तो मेन रोड तक ही आएगा और मेन रोड इतने यमुना खादर में है नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है, शौचालय की, यहाँ शौचालय नहीं है, और बच्चे की शिक्षा के लिए यहाँ मैडम नहीं है, स्कूल तो बना रखे हैं लेकिन मैडम नहीं है यहाँ कोई पढ़ाने के लिए, तो कम से कम एक बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के लिए कम से कम यहाँ सुविधा तो होनी चाहिए, और पानी का टैंकर होना चाहिए यहाँ पे। तो हमें क्या दिल्ली सरकार इतना भी नहीं दे सकती एक टैंकर पानी भी, यहाँ कम से कम 250-300 लोग रहते हैं तो यहाँ पानी भी करते रहते, जब पैसे होते हैं तो खरीद के लाते हैं, नहीं होते हैं तो वही नल का पानी पीते हैं, हैं तो वैसे तो कहते हैं कि हर जगह पानी भेजते हैं, पानी भेजते हैं तो क्या हमारे मच्छी गड्ढा के लिए पानी नहीं जुड़ता है दिल्ली सरकार को? अगर जैसा कि आप जानते हैं कि 15 साल में एमसीडी में बीजेपी की ही सरकार रही है और आप सबने उन सभी के काम भी देखे होंगे, अगर मेरी सरकार बनती है एमसीडी में तो मैं यहाँ के जो लोगों की मूल सुविधाएं हैं, जैसे मैंने देखा है यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं,
यहाँ के रोड सही नहीं है, बच्चों के स्कूल नहीं है, पानी की व्यवस्था कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है, और यहाँ पे बच्चों के लिए एनजीओ पढ़ाई वगैरह स्कूल्स की वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले मैं यहाँ के रोडों को सही कराऊंगी, और मूलभूत सुविधाएं जैसे रोड है उनके, और उनका पानी की समस्या है, शौचालयों की समस्या है, ये मैं सबसे पहले उन पर काम करूँगी। जब भी मैं चुनी जाऊँगी और भाजपा आएगी तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बच्चों की शिक्षा का सबसे पहले प्रबंध करूँगी, उसके बाद मैं महिलाओं की सुरक्षा और शौचालय का करूँगी। जहाँ मोदी जी ने, कोई भी प्रधानमंत्री ने ये चीज़ नहीं देखी थी कि महिलाएं शौचालय सवेरे करने जाती हैं और उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उन्होंने अगर आप जाओगे यूपी में, हर गांव में हर जगह पर शौचालय, मगर बदकिस्मती से दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, बहुत सी जगह हमारे हाथ बंद जाते हैं। न्यूज क्लिक निगम चुनाव के शोर में लगातार ग्राउंड से ला रहा है जनता के मुद्दों को आपके बीच। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।